नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं न्यू लॉन्च स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 के BS6 मॉडल और होंडा लीवो 110 के बीच में। ये दोनों बाइक जो है वो एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बाइक के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें सक्षम खरे चैनल को और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर आईस्मार्ट में देखने को मिलता है 110 सीसी का 4:2 वाल्व एयर कूल BS6 FI इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 9.1 BHP एट द रेट 7500 RPM। और अगर हम बात कर ले मैक्स टॉर्क के बारे में, तो इस बाइक से आपको देखने को मिल जाएगा 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 6500 RPM। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं होंडा लीवो के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको देखने को मिलता है 110 सीसी का 4:2 वाल्व एयर कूल BS4 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 8.3 BHP एट द रेट 7500 RPM। और अगर हम बात कर ले मैक्स टॉर्क के बारे में, तो इस बाइक से आपको देखने को मिल जाएगा 9.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट द रेट 6500 RPM। स्प्लेंडर आईस्मार्ट में आपको होंडा लीवो के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ स्प्लेंडर आईस्मार्ट में आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम और BS6 इंजन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर आईस्मार्ट में देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक। वहीं होंडा लीवो में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पर ब्रेकिंग के मामले में दोनों ही बाइक सेम है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें दोनों ही बाइक की माइलेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर आईस्मार्ट से देखने को मिल जाएगा 70 से लेकर 75 km तक का माइलेज। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें होंडा लीवो के बारे में, तो इस बाइक से आपको देखने को मिल जाएगा 60 से लेकर 65 km तक का माइलेज। तो यहाँ पर माइलेज के मामले में स्प्लेंडर आईस्मार्ट क्लियर विनर है, क्योंकि इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर आईस्मार्ट में बिल्कुल न्यू फ्रेश लुक देखने को मिलता है, वही होंडा लीवो में भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप ही को डिसाइड करना है कि यहाँ पर आपको कौन सी बाइक का लुक ज़्यादा बेहतर लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की एक्सरूम प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर स्प्लेंडर आईस्मार्ट के BS6 मॉडल की एक्सरूम प्राइस है 64,000 रुपीज़, वहीं होंडा लीवो के टॉप मॉडल की एक्सरूम प्राइस है 57,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके स्प्लेंडर आईस्मार्ट में BS6 इंजन, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम और थोड़ी सी ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ही लोग को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगती है। तो यही था इन दोनों बाइक का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।